तो हेलो फ्रेंड्स, हम आज सीखेंगे इंटर रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर मैं आपको बात कर दूँ कि पहले हमारे सिस्टम के अंदर मैंने आपको इंटेल एचडी ग्राफिक्स के बारे में बताया था पिछले वीडियो में, और भी मैंने वीडियो बताया बना कर आपको बताया। यहाँ पर मैं आपको बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स क्या होता है। तो यहाँ पर इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो होते हैं, कौन कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरह का उसका सेटिंग्स होता है, यहाँ पर तो बताया आपको मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। यहाँ पर आपको मैं बताने जा रहा हूँ इंटर रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। तो मैं कहूँगा कि मैंने आपको पहले कहा था कि इंटर एचडी ग्राफिक्स आपके अंदर ना हो, या तो फिर इंटर रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ना हो, या रियलटेक एचडी ऑडियो मैनेजर ना हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरा जो बोर्ड है, मेरा मदरबोर्ड जो है वो गीगाबाइट का है और मेरा इंटेल का है। तो मैंने जब गीगाबाइट की और इंटेल के कुछ ड्राइवर्स मैंने इंस्टॉल किए थे, तो मेरे इस हिसाब से मुझे ये तीन ऑप्शंस मुझे मिले कंट्रोल पैनल के अंदर। तो आइए सीख लेते हैं कि इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इससे पहले आपको कोई वीडियो पिछली वीडियो में ना देखा हो तो देख ले, क्योंकि मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल की सीरीज लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं और आपको बेहतर अच्छी तरह से सिखा पाऊँ इसलिए होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर बात होती है यहाँ पर फॉन्ट से इंडेक्स ऑप्शन क्या होता है, होम ग्रुप क्या होता है, किस तरह से इसको मैनेज करना होता है, फिर यहाँ पर डिवाइस मैनेजर होता है, डिवाइस एंड प्रिंटर होता है, तो क्या है, तो ये सब आप सीख सकते हो यहाँ पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइंड करना है, ढूंढना है। तो मैं इंटरनेट रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को मैं बताया इसके अंदर। तो ये इंटेल की एक अपनी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए, मतलब हमारी जो हार्ड डिस्क जो होती है उसके लिए हमारा ये सिस्टम इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें मिलता है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो भी हार्ड डिस्क है, यहाँ पर कोई भी ऐसी हार्ड डिस्क जिसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क का जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर साइज होती है, और यहाँ पर ट्रैक होता है। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क के अंदर कोई प्रॉब्लम है या नहीं उसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो है एक तरह का सॉफ्टवेयर है, एक तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर इंटेल के थ्रू मिली है हमें। तो यहाँ पर आपको जो हार्ड डिस्क बिगड़ने की होती है या तो फिर हार्ड डिस्क के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर वो क्या बताएगा, इस तरह से आपको इस तरह से क्लिक करना है और ओपन करना है विंडो को। तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो लेफ्ट साइड के अंदर कि इस तरह से राइट कंडीशन। तो क्या होती है टेक्नोलॉजी कि जब भी हमारे सिस्टम के अंदर कोई वायरस होता है या तो फिर कोई हार्ड डिस्क होती है हमारे सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क के अंदर कोई वायरस होता है या तो कोई हार्ड डिस्क खराब होती है, तो हार्ड डिस्क जब खराब होती है तो उसके अंदर जो कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ डेटा की प्रॉब्लम होती है, डेटा की वजह से कोई हार्ड डिस्क खराब होती है या तो फिर कोई डैमेज होता है, तो जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो बहुत ही पावरफुल एक तरह का स्टोरेज होता है। तो यहाँ पर ये जो परमानेंट हमारा स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क के अंदर हमारा बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो बहुत ही ऐसे सिस्टम के अंदर हमारे जो फाइल्स वगैरह होती है, तो ये हार्ड डिस्क पर ही हमारा डिपेंड होता है। यहाँ पर जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम कुछ मैनेज करते हैं, या फिर हम कोई फाइल या प्रोग्राम या तो कोई भी हम सेटिंग्स करते हैं या तो कोई वीडियो कॉपी करके हम शेयर करते हैं या तो फिर कुछ भी, तो जो होता है वो पहले उसका डेटा जो होता है वो डेटा स्टोर होता है हार्ड डिस्क के ऊपर। ये परमानेंट स्टोरेज टेक्नोलॉजी होती है। तो ये स्टोरेज टेक्नोलॉजी को समझने के लिए, बताने के लिए, और यहाँ पर सिस्टम के अंदर अलग अलग तरह की सिचुएशन जो होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, तो इसको समझने के लिए हमें हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना होगा। तो मैं हार्ड डिस्क की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा हार्ड डिस्क के अंदर। तो हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी होती है, यहाँ पर जो मैंने कहा था कि पहले ही कि इंटेल का मेरा सीपीयू है और मेरा गीगाबाइट मतलब वो है, तो यहाँ पर चेक करने के लिए यहाँ पर होता है हार्ड डिस्क को। तो यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह की मेरी जो 466 GB, ऐसे तो 500 GB की है लेकिन 466 लिखा है यहाँ पर हमारे सिस्टम के अंदर। तो जो जितनी भी बची हुई है जहाँ पर देख सकते हैं 466 लिखा है यहाँ पर, तो ये 500 GB कहाँ गई? तो 500 GB जो मैं कहूँगा कि आप, तो 500 GB है मेरा सिस्टम रिजर्व है, क्योंकि मेरा जो ओपनिंग सिस्टम जो होता है, जो स्टार्ट होता है, जो मैं बटन दबाता हूँ तो बायोस के बाद जो स्टार्ट होता है वो सिस्टम के अंदर मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, वो सारी हमारी जो मेन कंप्यूटर की जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है उसकी मेन फाइल होती है वो लोड होती है, उसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो पहले हम वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर बाद में हमारा सिस्टम यहाँ पर हमारे विंडो के अंदर जो सी पार्टीशन होता है, तो वहाँ से फिर से क्या होता है, वो धीरे धीरे करके वो फाइल को लोड करके हमारा सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करता है। चालू होने के बाद हमारे सिस्टम की कुछ सर्विस होती है, ड्राइवर्स जितना भी होता है वो स्टार्ट होता है
और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कम्प्लीटली स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा, तो बात होती है हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है कि हार्ड डिस्क हमारी जो होती है वो स्टार्ट होती रहती है और हमेशा RPM के थ्रू चलती रहती है, रोटेशन पर मिनट। तो हमारा जितना भी हमारे सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क अच्छी क्वालिटी की होगी तो अच्छी तरह से काम करेंगे, लंबे समय से काम करेंगे, लॉन्ग टाइम काम करेंगे। तो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क की बात होती है हमारे सिस्टम के अंदर, तो देख सकते हो आप यहाँ पर, तो हार्ड डिस्क के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे पार्टीशन भी होते हैं कि हमारा जो कुछ पार्टीशन ऐसे होते हैं कि फॉर्मेट करने के बाद रॉ पार्टीशन में बदल जाते हैं। तो क्या होता है कि उसकी क्योंकि वहाँ के जो क्लस्टर जो होता है वहाँ पर जो डेटा जो स्टोर होता है वो फाल कुछ प्रॉब्लम के कारण बिगड़ जाती है या वायरस के कारण बिगड़ती है। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या होता है, साटा हार्ड डिस्क जो होती है या पाटा हार्ड डिस्क होती है, दो तरह की हार्ड डिस्क होती है। वैसे तो हार्ड डिस्क बहुत टाइप की हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क के टाइप भी आप देख सकते हो कि पहले पुराने ज़माने में पाटा हार्ड डिस्क थी, फिर स्कजी आई, फिर साटा हार्ड डिस्क आई, फिर अभी वायरलेस हार्ड डिस्क भी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अनुसार होती है। फिर बहुत सारे से सर्वर की भी हार्ड डिस्क अलग अलग आने लगी। तो यहाँ पर हमारे सिस्टम जो होती है हमेशा काम करने के लिए ही बनी होती है। तो यहाँ पर बात होती है कि हमारा सिस्टम जब भी हमारा काम करता है तो हमारा हार्ड डिस्क, रैम, CPU, मदरबोर्ड, नेटवर्क, यहाँ पर हमारा प्रोसेसर, सब कुछ जो होता है वो मैनुअली सभी के अलग अलग काम होते हैं और ऑटोमेटिक भी काम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम जो होता है वो यहाँ पर मैं बात करूँगा इंटर रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर आपको 4-5 आपको मिल जाएगी यहाँ पर मेन्यू, और यहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो हार्ड डिस्क है वो सिस्टम पर रहा है यहाँ पर। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मेन्यू पर आ गया मैं, तो मुझे यहाँ से नहीं करना, आपको मैं बताता हूँ करंट स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर ये जो है ये फंक्शन चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मार्क आ जाएगा येलो करके। फिर आपको यहाँ पर मैनेज करना था कि आप मैनेज कर सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज में जाके, लेकिन यहाँ पर कुछ हेल्प है, यहाँ पर आप हेल्प कर सकते हो, हेल्प के ऊपर क्लिक करके चीज़ क्या है पढ़ सकते हो आप पढ़ना है। तो मैं आपको कहूँगा कि आपके अंदर ये ऑप्शन नहीं आता फिर से, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप इंफॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पर समझे। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो मदरबोर्ड है गीगाबाइट का नहीं है और इसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर नहीं है, और साथ ही साथ आपने इंटेल का कुछ ड्राइवर नहीं डाला है जो लेटेस्ट ड्राइवर है वो, और साथ ही साथ आपको गीगाबाइट की जो सीडी होती है ड्राइवर की वो आपने इंस्टॉल नहीं की, तो शायद आपके अंदर वो चीज़ ना आए, ये ऑप्शन ना आए। तो यहाँ पर मैं मैनेज पर क्लिक करूँगा, अब मैनेज पर जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर के पोर्ट मेरा 0 पर मैंने लगा रखा है मेरा साटा हार्ड डिस्क, और यहाँ पर पोर्ट लोकेशन जो इंटरनल है मैंने कोई बाहर की हार्ड डिस्क नहीं लगाई। तो हमारी हार्ड डिस्क दो तरह की होती है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल होती है। तो एक USB की भी हार्ड डिस्क होती है, तो USB थ्रू से भी आप क्या कर सकते हो हार्ड डिस्क को लगा सकते हो। फिर यहाँ पर स्टेटस जो है वो नॉर्मल है, और यहाँ पर टैग जो है इसका जो साटा हार्ड डिस्क है अभी यूज़र के यूज हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो अवेलेबल है इसमें अवेलेबल है इसकी साइज बता रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया, हर एक का अपना सीरियल नंबर होता है। जब भी हमारा जो कंप्यूटर चलता है तो उस हर एक कंप्यूटर का ID होता है, ID प्रोसेस ID होता है, बहुत सारे हमारे जो कंप्यूटर अलग अलग होते हैं तो अलग अलग कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए अलग अलग सर्विसेज भी होती है, और सर्विसेज को कंट्रोल करने के लिए भी उसका भी स्पेशली क्या होता है ID होता है, प्रोसेस ID होता है, और यहाँ पर प्रोसेस को मैनेज करने के लिए भी प्रोसेस के अलग अलग सर्विसेज को मैनेज करने के लिए भी उसका विंडो या तो उसका एक तरह का ऑप्शन भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सीरियल जो नंबर लिखा है यहाँ पर Z1M1WS4E, तो ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली मिल जाता है हमें BIOS से। फिर बात होते हैं मॉडल, तो ये मॉडल लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्मवेयर क्या होता है ये बताऊँगा आपको के बारे में। तो फॉर्मवेयर क्या होता है HP GB लिखा है यार, तो मेरा जो कंपनी की जो हार्ड डिस्क है HP की है। फिर यहाँ पर एड्रेस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सिस्टम की डिस्क है, सिस्टम डिस्क है हाँ, क्योंकि मेरा सिस्टम का जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है वो एक ही हार्ड डिस्क के अंदर चल रही है। पासवर्ड प्रोटेक्शन मैंने दिया है नहीं दिया है मैंने, डिस्क का डेटा कैश इनेबल है, यहाँ पर नेटिव कमांड क्विटिंग यस लिखा है यहाँ पर, तो साटा ट्रांसफर रेट 1 सेकंड के अंदर 6 GB क्या कर ट्रांसफर कर लेता है यहाँ पर, 1 सेकंड के अंदर 6 GB ट्रांसफर करने की ताकत रखता है। फिर फिजिकल सेक्टर जो होता है, लॉजिकल सेक्टर होता था मैंने कहा सेक्टर होता है, क्लस्टर भी होता है, क्लस्टर दोनों अलग अलग होते हैं, वो हार्डवेयर में पड़ेंगे।
फिर हम बात करेंगे परफॉर्मेंस के बारे में। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है, तो हमारे सिस्टम के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको वार्निंग भी देगा, स्टेटस होगा तो परफेक्ट काम करेगा। तो साटा डिवाइस का जो होता है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनपुट आउटपुट एक्टिविटी जो है कम्प्लीट है। फिर यहाँ पर प्रेफरेंस पर क्लिक करूँगा तो प्रेफरेंस में आप कुछ भी लिख सकते हो, बता सकते हो सामने वाली कंपनी को क्या चाहिए। आपको सिस्टम प्रेफरेंस है तो आपको कुछ चाहिए, जो सो नोटिफिकेशन एरिया आइकॉन चाहिए, स्टोरेज सिस्टम इन्फॉर्मेशन, तो ये सब कुछ यहाँ पर होता है। फिर आपको हेल्प मिलेगी यहाँ पर, तो हेल्प के लिए ये क्या चीज़ है, क्यों और ये सब है, तो बहुत सारी आपको दे सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इंटर की टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, किस किस तरह की टेक्नोलॉजी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर नेटिव कमांड टेक्नोलॉजी, हॉट प्लग लिखा है, यहाँ पर डी कैपेसिटी लिखा है, यहाँ पर डायनामिक स्टोरेज एक्सेलेरेटर लिखा है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इंटर के थ्रू पढ़ सकते हो यहाँ पर। तो ये चीज़ होती है। तो आपने देखा कि हमारा इंटरनेट स्टोरेज टेक्नोलॉजी इतना ही हमारा, आपको ईमेल भेजना है किसी को तो ईमेल भी भेज सकते हो यहाँ पर, लेकिन आपको इंटरनेट चाहिए होगा, लेकिन मुझे कुछ चेंजिंग नहीं करना है यहाँ पर। तो ये चीज़ें होती है हमारे सिस्टम के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटरनेट ऑप्शन के बारे में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट स्टोरेज टेक्नोलॉजी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे कि इंटरनेट ऑप्शन क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरनेट ऑप्शन जो होता है हमारा। तो इंटरनेट ऑप्शन के पहले मैं आपको कहूँगा कि आप पहले ये सब वीडियो भी देखें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर आपको फिर से कहता हूँ कि विंडोज 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 8.1 हो या विंडो 10 हो, इन तीनों अपने सिस्टम के अंदर 95% सेम ही होंगे कंट्रोल पैनल के सेटिंग्स। शायद आपके अंदर फ्लैश प्लेयर ना आए, इंटर रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ना आए, इंटर HD ग्राफिक्स ना आए, रियल टेक HD ऑडियो मैनेजर ना आए। तो क्योंकि ये जो मैंने सेट किए हुए ये सारे ये मेरे ड्राइवर के थ्रू हुए, और आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे आपको कमेंट करके मुझे कमेंट करके भेजें, तो मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात होती है इंटरनेट ऑप्शन के बारे में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि क्या होता है। यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शन के बारे में बात होती है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि क्या होता है इंटरनेट ऑप्शन और हम क्यों यूज़ करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सोशल कॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको चला तो नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।